क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आज का ही टॉपिक है बच्चों, और 5 से 7 मिनट लगेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा, है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले शेप ऑफ 5D ऑर्बिटल का बना लेते हैं, है ना। अब 5D ऑर्बिटल कौन कौन है तो हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए 5 घर बनाएंगे और 5ों में समान इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता, बांट दिए, है ना। डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। अब कहता है डी जेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल का मतलब होता है बच्चों सेम इनर्जी, यानी सभी का ऊर्जा क्या है, समान है। अब हम लोग देखते हैं डीएक्स वाई का, है ना। कहता है डीएक्स वाई में जो लो बनेगा एक्स वाई, है ना, बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा, है ना। ये हो गया बच्चों डी एक्स वाई, है ना। दूसरा है डी वाई जेड, है ना, यानी वाई जेड, यहां भी बनेगा बिटवीन द एक्सिस। अब है क्या जेड एक्स कर दीजिए, एक्स जेड यहां बनेगा बिटवीन द एक्सिस, लेकिन ए दोनों यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ए दोनों बनेगा अलोंग द एक्सिस, इस तरह से अलोंग द एक्सिस, यहां भी बना दीजिए अलोंग द एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यानी हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां जो बनेगा बच्चों जेड जेड अलोंग द एक्सिस, यानी डी जेड स्क्वायर। अब कहता है कि लोब्स के अनुसार, है ना, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, है ना। अब कहता है कि बिटवीन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस, तो इसको रखा गया है T1G, यानी इसमें आ गया डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी जेड एक्स, है ना, अलोंग द एक्सिस। इसको ईजी सेट में रखा गया है, ईजी सेट्स में, है ना। इसमें हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डिफिनेशन देख लेते हैं, है ना। तो यहां लिखा जाए दिस कन्वर्सन ऑफ 5D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इंटू डिफरेंट इट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट इनर्जी, डिफरेंट इनर्जी इन द परजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी CFS। कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड होता है। बच्चों इसको नोट किया जाए, अब बच्चों हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है Al6N+, है ना। अब इसके जगह पर कोई और ले सकते हैं, जैसे है CO CN का होल 6 3+, है ना। अब M क्या है बच्चों, मेटल है,
है ना, ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन समझना है, मेटल है ना, मेटल जो है लिगेंड से घिरा हुआ है। कई लिगेंड है, सिक्स लिगेंड, सिक्स लिगेंड, यहाँ लिगेंड कर दीजिए, लिगेंड कर दीजिए, लिगेंड कर दीजिए, लिगेंड 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 हो गया। अब कहता है मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये जो है बच्चों मान लिया एक्सिस है, यहाँ लोब बनाएंगे इसका इस प्रकार से, तो यहाँ जो है लिगेंड और मेटल के बीच अलोंग द एक्सिस बनेगा, यानी रिपल्सन यहाँ जो है, रिपल्सन यहाँ जो है मैक्सिमम है, और रिपल्सन जब मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लोब्स है ना, ये दोनों के बीच में यानी बिटवीन द एक्सिस है ना, तो यहाँ जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा, मिनिमम यानी ऊर्जा कम होगा है ना, हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये जो है 5D और वाइटल है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इनर्जी फ्री आयन है ना। कहता है कि जैसे ही लिगेंड के संपर्क में आएगा, क्या आएगा, लिगेंड के संपर्क में आएगा, तो ये क्या होगा, नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट डी और वाइटल है ना। तो कहता है कि यहाँ तो बच्चों ऊर्जा सेम है, लेकिन जैसे ही लिगेंड के संपर्क में आ रहा है तो क्या क्या होता है, नॉन डीजेनरेट डी और वाइटल होता है, और यहाँ जो है ये दो पार्ट में यानी दो सेट में कन्वर्ट हो जाता है, दो सेट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लिया ईजी है और ये जो है T2G है ना, ईजी में दो और वाइटल आता है, x²dx²-y²dz², इसमें तीन आता है, 1, 2, 3 है ना। अब कहता है ये दोनों के बीच का जो इनर्जी होता है 10 10 DQ है ना। अब कहता है कि अब यहाँ देखिए ईजी और यहाँ है T2J, तब ईजी जो होता है अलोंग द एक्सिस होता है, और अलोंग द एक्सिस होता है तो क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, यानी यहाँ जो होगा 6 DQ है ना, ये जो है अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा इसलिए एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन T2G में क्या होता है, रिपल्सन कम होता है इसलिए एनर्जी इसका कम होता है, 4 DQ है ना। और ए जो होता है बच्चों डेल ओ बराबर, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड T2G दोनों के बीच के डिफरेंस के ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द इनर्जी ऑफ ईजी सेट एंड T2G सेट्स आर नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी CFSE, यही तो है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए है ना, उसको सुधार किया जाएगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।